हेलो एवरीवन, डिलीशियस भोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बारिश के दिनों की सीजनल सब्जी अरवी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे लोग कई नामों से जानते हैं, कुछ लोग इसे पेचकी, कुछ लोग इसे अरवी कहते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम अरवी लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होती है, इसलिए इसे साफ़ करना ज़रूरी है। उसके बाद इसके छिलके उतार लेंगे, बस इसे स्क्रैच करके इसके छिलके उतार लेना है। अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसे लंबे आकार में, लंबे शेप में मैंने काट लिया है। इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से मसाले पहले डाल देने से ये सब्ज़ी बनने के बाद लसलसी जैसी नहीं होती है। ये सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इसमें मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ। मेथी के थोड़े से दाने इसमें डालेंगे। जब मेथी के दाने करकने लगे तो इसमें अरवी डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। जब तक अरवी फ्राई हो रही है, तब तक कुछ प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अरवी को चेक करते हैं कि ये कुक हुई है या नहीं अच्छी तरह से। ये अभी नहीं हुई है, इसे 2 से 3 मिनट तक अभी और फ्राई होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से 80% के लगभग फ्राई हो जाए तो इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और डालेंगे, फिर बे लीफ डालेंगे और साथ ही पीसी हुई प्याज इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक ऐड करेंगे, कवर करके इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें फ्राई की हुई अरवी डालेंगे। इसे भी मसालों के साथ मिक्स करके 1 से 2 मिनट इसे भी भून लेना है। पानी ऐड करेंगे, जैसा आप ग्रेवी चाहते हैं वैसा पानी ऐड करेंगे। आप इसे चाहे तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में बनाने में इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे। देखिए, अरवी की सब्ज़ी बनकर रेडी है, बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो चुकी है। इसे आप रोटी पराठे के साथ खाइए। लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस की जगह आप कोई भी खट्टी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तेज़पत्ता निकाल कर हटा देंगे। फ्रेंड्स, यदि रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।
बिल्कुल ही लसलसी नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी।